नीमच में दीपावली का बाजार इस बार दशहरा मैदान में सजेगा। अस्थायी दुकानदारों के लिए सभी सीजनेबल आइटम बेचने के लिए यह व्यवस्था बनाने का निर्णय प्रशासन की पहल पर अस्थायी दुकानदारों की सहमति के बाद लिया गया। पिछले चार दिनों से लगातार प्रशासन अलग अलग वर्ग से यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और अस्थायी दुकानदारों को एक साथ लाकर बाजार का रूप देने के लिए प्रयासरत था, जिसके लिए आज सुबह से स्थायी दुकानदारों और अस्थायी दुकानदारों के साथ संयुक्त तहसील भवन में SDM ममता खेड़े ने बैठक करके लंबी वार्ता की, सभी की समस्याओं को सुना और सुझावों को जाना। आखिरकार अस्थायी दुकानदारों की सहमति के बाद दशहरा मैदान में त्योहारी बाजार लगाने का निर्णय लिया गया। SDM ममता खेड़े ने अस्थायी दुकानदारों का इस निर्णय पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकार की दुकानों के लिए अलग अलग साइज का निर्धारण कर आज शाम तक लेआउट तैयार किया जाएगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि स्थायी बाजार के दुकानदार वही सामान बेच सकते हैं जिसका उनके पास लाइसेंस है। आत्म अनुशासन का पालन करते हुए वे कतई अन्य सामान नहीं बेचेंगे। स्थायी दुकानदार अपने वाहन को दुकान के सामने आम रास्ते में नियमित नहीं लगाएंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन सामान हटाने की कार्यवाही करेगा। ग्राहकों को अस्थायी बाजार तक पहुंचाने के लिए ई रिक्शा आदि की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। दशहरा मैदान में बाजार को प्रकाशमान करने के लिए नगर पालिका विद्युत की व्यवस्था करेगा। फायर ब्रिगेड, जल व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के तमाम संसाधन जुटाए जाएंगे। जैसा कि SDM ममता खेड़े ने कहा, नीमच की सुंदरता को संवारने और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये अहम कदम है। अस्थायी दुकानदारों के सहयोग से क्या कहेंगे? देखो, हमने प्रशासन का हम सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशासन के लिए हमने ये भी कहा कि हम जो हमारी जो भी उनकी भी शर्तें हमने मानी है तो हमारी भी कुछ शर्तें रखे कि हमने जैसे बोला कि ये बाज़ारों में जो दुकानें किराए से देते हैं वो किराए से वहाँ बाज़ार वो भी नहीं लगे। जो जैसे इन्होंने वो मेले लगा रखे, मेले टाइप वो भी बंद हो। जैसे अगर अस्थाई है, जिनके पास में लाइसेंस है वो तो अपनी उनकी दुकानों पर लगाएं, उससे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि कारण ये है कि वो लाइसेंस लेके बैठे हैं, पर मान लो आज जैसे दिया नहीं बेचता और दिया लगा के बैठ गया तो दिया वाला यहाँ क्यों आएगा? जैसे खिल्ली परमल वाला हुआ, हम स्टिकर बेचते, हम रंगोली बेचते, हम माला का काम करते हैं, यहाँ फाउंटेन का काम कोई नहीं करता, बोर्ड का काम कोई नहीं करता, एक दो करते हैं तो उनके लाइसेंस बनवा हुआ, अपना लाइसेंस बना तो वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो बाज़ार लगेगा वो बाज़ार मेन मार्केट में नहीं लगेगा। तो हम इस शर्तों के साथ में यहाँ आए और प्रशासन ने बोला है कि दशहरा मैदान कोई सा ही त्यौहार होगा उस समय अगर कोई भी यहाँ इस कोई भी जगह नहीं दी जाएगी, किसी को भी दशहरा मैदान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे फुटबॉल होता हो, क्रिकेट होता हो, जो भी अन्य कार्यक्रम यहाँ होते हैं, कुछ भी होगा, तो जब हमारा त्यौहार रहेगा राखी का, दिवाली का, होली का, जो भी सीजन रहेगी हमारी, उस टाइम पे ये ग्राउंड किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई सा ही सीएम हो रहा या कुछ भी है, जब मैडम रहे वो इसको फॉलो करें। माननीय SDM मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सापूर्ण वातावरण में छोटे व्यापारी, जो हाथ ठेला व्यापारी और स्थानीय व्यापारी है, स्थानीय व्यापारी और अस्थानीय व्यापारी की एक बैठक करवाएंगे। बैठक में एक अच्छा सा निर्णय लेंगे ताकि क्या नीमच शहर की यातायात व्यवस्था और दोनों वर्गों को व्यापार ठीक से कर पाए, व्यापार में कोई दिक्कत ना आए। क्या चाहते हैं, किस प्रकार की परेशानी है और क्या दिक्कत आ रही है? लगभग विगत कई वर्षों से स्थानीय व्यापारियों को क्या पार्किंग की असमस्या होती है कि दिवाली सीजन हो या राखी सीजन हो या ईद का सीजन हो, इसके अंदर क्या है कि अस्थायी व्यापारी दुकानों के बाहर आके अपना व्यापार करते हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले या जो टू व्हीलर फोर व्हीलर लाने वाले हैं उनको क्या दुकान तक पहुंचने में असुविधा होती है और वो ग्राहक दुकान स्थानीय दुकानों तक न पहुंचकर कहीं और चला जाता है जहाँ पे पार्किंग की सुविधा होती है। किस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है और क्या निर्णय लिया गया है? हम लोग पिछले चार दिनों से लगातार शहर के अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं, जिसमें दुकानदार हैं, मीडिया बंधु हैं, दुकानदार भी दोनों तरह के, अस्थाई बाजार और जो स्थाई बाजार वाले लोग हैं, आम नागरिक हैं, मीडिया साथी हैं। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस बात की पहल को अस्थाई दुकानदार, जो अपेक्षाकृत छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने एक निर्णय पर पहुँचाया है और शहर के हित में एक बेहतरीन निर्णय खुद अस्थाई दुकानदारों ने किया है। दशहरा मैदान में अस्थाई उत्सव बाजार जो है, पर्व बाजार शिफ्ट किया जा रहा है और सभी दुकानदारों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है। मैं सबका अभिनंदन करती हूँ
और प्रशासन की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। किस तरह से लेआउट तैयार किया जा रहा है मैडम इस दुकानों को अलॉट करने के लिए? उसमें अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं, निश्चित रूप से उनके आकार भी अलग अलग तरह के रहेंगे। कुछ मिट्टी की दुकानें हैं, कुछ फूल और सजावट की दुकानें हैं, रंगोली टाइप की दुकानें हैं, फूल वाले दुकानें रहेंगी। तो इनके उन दुकानों की अलग अलग जरूरत है, उसके हिसाब से साइज तय किए जा रहे हैं। शाम तक वो लेआउट पास हो जाएगा और फिर हम लोग उसको व्यवस्थित। दुकानदारों, अस्थायी दुकानदारों ने कुछ अपनी समस्याएं भी आपके सामने रखी, जैसे सामान कोई उनका उनकी तरह का सामान कोई अन्य न बेचे, या इस तरह की कुछ बातें भी सामने? इसमें जो स्थायी बाजार है उनके जो व्यापारी प्रतिनिधि है उनसे हम लोग की चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त कराया है इस बात के लिए कि कोई भी स्थायी दुकानदार अपनी जो उनकी एग्जिस्टिंग दुकान है जिसमें जिस काम को करने के लिए उनके पास लाइसेंस है, उसके अतिरिक्त अस्थाई रूप से किसी और चीज़ का जो मौसमी बाजार है उसके लिए वो यूज़ नहीं करेंगे। और यदि वो इस वचन का पालन नहीं करते हैं तो प्रशासन ना सिर्फ चालानी कार्रवाई करेगा बल्कि उस व्यवसाय को तुरंत वहाँ से हटाएगा। शहर के किसी कोने में इस तरह की जो पर्व की और जो अस्थाई दुकानों की जो विषय वस्तु के मार्केट्स हैं वो सारे यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे ताकि किसी भी अस्थाई दुकानदार के साथ ये ना हो कि वो तो यहाँ दुकान लगा के बैठा है और शेष लोग बाहर बेच के खत्म हो जाए। तो इस तरह का शहर के किसी भी चौराहे पे हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि किसी भी चौराहे पे इस तरह प्रकार का अस्थाई बाजार नहीं लगे। पार्किंग और यातायात को लेकर भी आपने कुछ सोचा है मैडम? जी हाँ, दुकानदारों से हमारी चर्चा हुई है। जो स्थाई मार्केट है हमारा, वहाँ के लोग जो उनके वाहन लगते हैं नियमित रूप से, जो कि वो 6 घंटे 8 घंटे कभी 10 घंटे के लिए लगता है, कई बार कोई गाड़ी लगा के 8-15 दिन महीना भर के लिए चले जाते हैं, इससे वहाँ जो बाजार की व्यवस्था है और चूंकि भारत माता चौराहा जिसे हम 4-0 कहते हैं, नीमच का प्राइड है, हमारे लिए एक बेहतरीन कोना है जहाँ हम कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं और व्यवसाय का केंद्र तो है ही। तो वहाँ से वो स्थायी दुकानदार जो है वो अपने नियमित रूप से गाड़ियाँ कहीं अन्य जगह लगाएंगे और हम लोग शीघ्र ही इसमें यातायात से बात करके ई रिक्शा टाइप चीज़ें वो कर रहे हैं ताकि 2-4-6-8 ई रिक्शा जितनी ज़रूरत हो वो कंटिन्यू राउंड करते रहें कि जिससे महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, यदि उनको व्यवसायिक स्थलों तक जाना है तो वो उसका उपयोग कर सकेंगे। और निजी वाहन एक निश्चित पार्किंग प्लेस पे लगेगा, इसके लिए योजना हम लोग आज ही बनाएंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं दुकानदारों को, जो है किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्थाएं देगा, क्या सुविधा दी जाएगी? यहाँ नगर पालिका की तरफ से पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहेगी, जो बाजार के लिए और मेले के लिए रहता है कि फायर सेफ्टी और पानी का टैंकर और फायर ब्रिगेड वगैरह, इसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेआउट हम लोग काट के दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेगी। नीमच एक बेहतरीन शहर है और हमेशा सकारात्मक कदम के लिए हर पक्ष की तरह स्वागत होता है। आज फिर यही हुआ है। धन्यवाद नीमच।